जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज़। गुरुग्राम के अंदर वार्ड नंबर 20 में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष मक्कड़ के द्वारा लोगों की सहूलियत को देखते हुए ज़रूरतमंद लोगों के लिए भारत सरकार की जो स्कीम है उसके तहत कम दामों पर उनको आटा, दाल, चावल, प्याज आदि मुहैया कराया गया। आज यहाँ आई हुई इससे सरकारी गाड़ी के कर्मचारियों के साथ में और साथ ही मनीष मक्कड़ के साथ में अजय भारत की टीम ने जब बातचीत की तो खुलकर यहां बात हुई इस बारे में कि आखिर किस तरह से यह पूरी स्कीम काम करती है और किस तरह से लोग इसका लाभ उठा रहे हैं और आने वाले समय में अगर कोई यदि इसका लाभ उठाना चाहे तो वह किस तरह से ले सकता है। हमारी इस खबर को शेयर करें, अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुँचे कि भारत सरकार और आम आदमी पार्टी के नेता किस तरह से गुरुग्राम के अंदर उनकी सहायता कर रहे हैं दिन रात एक करके। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। भाई सर, सबसे पहले आपका नाम बताएं। अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद मुर्शिद है। आप यहाँ जो आए हैं आज, ये सस्ता राशन आप यहाँ पर सेल कर रहे हैं, तो ये किस तरह से होता है, कहाँ से आप ये लेकर आए और यहाँ पर किसने बुलाया आपको? भाई साहब, हम यहाँ पे रोड सिरा से आए हैं, द्वारका से, दिल्ली से, और ये भारत सरकार दाल चावल आटा आता है, भारत सरकार दाल चावल आता है, सरकारी रेट पे आता है। ये दाल 60 रुपए किलो इसमें बगैर पॉलिश के, और मूंग दाल है भाई साहब 107 रुपए की एक किलो, आटा है 10 किलो 275 का, चावल है 10 केजी 290 रुपए का। तो ये सारा सामान जैसे आपने बताया भारत सरकार के द्वारा आता है जी, तो यहाँ पर आपको किसने बुलाया था, आप किस जगह? नाम क्या? मनीष मक्कर ने बुलाया था भाई साहब यहाँ पे। अच्छा, ये आम आदमी के ऑफिस है, भाई साहब ने बुलाया था यहाँ पे। और यहाँ पे कौन सा रहा यहाँ के लोगों का आपके साथ? यहाँ के लिए अच्छा रहा भाई साहब, आज हमारा यहाँ पे पहला दिन था। अच्छा, और पहला दिन बहुत अच्छा निकला यहाँ पे। जिसको मिलना चाहिए उसी को मिल रहा है, जिसको मिलना चाहिए, गरीब के लिए, आम जनता के लिए, सबको एक एक पैकेट मिल रहा है, मतलब इच्छा के अनुसार मिल रहा है। मेरा नाम विकास यादव। क्या कहेंगे आप आज यहाँ पर आए, सस्ता राशन यहाँ पर सेल कर रहे हैं लोगों के बीच में और इस सरकारी राशन में, तो क्या कहेंगे इसके लिए? लोगों को वितरण करने के लिए सस्ते रेट में भारत सरकार ने ये योजना चलाई है जी। इसमें 4-5 आइटम है, जैसे हमारा आटा है 275 रुपए का, चावल 290 रुपए का है, प्याज 25 रुपए में आता है, और चना दाल 60 रुपए की है बिगर पॉलिश की, बढ़िया दाल है, और मूंग दाल भी 107 रुपए की बिना पॉलिश की, और इसमें एक शहद आता है हनी का, शहद आता है हनी का जी। ये सारे आइटम होते हैं इसमें। ये सभी आइटम है, अगर क्वालिटी देखी जाए तो कैसी होती है इनकी क्वालिटी? इनकी क्वालिटी कंप्रोमाइज होता है सबसे, इसमें क्वालिटी सबसे बढ़िया क्वालिटी है हमारा, क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है जी। जी, तो ये जैसे कि मनीष मक्कड़ ने आपको यहाँ बुलाया, तो अब आगे का क्या प्लान है यहाँ पर? अब दोबारा आप आते रहेंगे, क्योंकि आज अगर लोगों ने लिया तो दोबारा भी आपसे लेंगे? हाँ, हम लोग आते रहेंगे, जैसे सर जब बुलाएंगे तब गाड़ी हमारी आती रहेगी। धन्यवाद। आपका शुभ नाम बताइए, और आज आपने बहुत ही बढ़िया काम किया है कि यहाँ लोगों को सस्ते राशन उपलब्ध कराने के लिए ये गाड़ी बनाई गई, क्या कहेंगे इसकी? नमस्कार, मैं मनीष मक्कड़, और वार्ड 20 में जो पुराना वार्ड है ओम नगर में हम लोग खड़े हैं जी। यहाँ पे थोड़ा सा लोअर मीडियम क्लास लोग रहते हैं, जिस तरह से इस चीज़ की डिमांड भी है, आज की डेट में कितनी महंगाई है, उस महंगाई के मौके पे ये जो दाल उपलब्ध कराई जा रही है और ये आटा उपलब्ध कराया जा रहा है, तो मैं धन्यवाद करता हूँ जो अपना NCCF जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने उनसे मेरा संपर्क हुआ तो हमने ये यहाँ पे सप्लाई करवाया, और उसी को सप्लाई कराया जिसकी डिमांड थी, जो गरीब परिवारों को इसकी डिमांड थी, उसी के पास आज आप लोग आए। और मैं तो ये कहूँगा डिपार्टमेंट यहाँ पे परमानेंट एक गाड़ी लगा दे, जिससे गरीबों को सस्ता राशन मिलता रहेगा, और ये आधार कार्ड भी लें, और जिस तरह से पता भी लगे गलत आदमी के पास ज़्यादा सामान ना जाए, जैसे 60 रुपए किलो चने की दाल है, 107 रुपए मूंग की दाल है, 275 रुपए का 10 किलो आटा है, क्योंकि मैंने दुकान भी चलाई है परचून की, तो मैंने देखा है कि गरीब आदमी आज की डेट में तो बहुत इस चीज से जूझ रहा है, महंगाई से। हाँ, नकली भी बहुत आता है, ये बात भी आपकी ठीक है। देखो, भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, तो इसके ऊपर आदमी वो भी कर सकता है कि भरोसा की आइटम ठीक है, गलत आइटम आ रहे हैं मार्केट के अंदर, पॉलिश चढ़े हुए चमकती हुई दालें आ रही हैं। हम लोग इस पे संघर्ष तो कर ही रहे हैं कि ऑर्गेनिक दालें वो यहाँ पे डायरेक्टली सप्लाई होगी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप पत्रकार लोग आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
न्यूज अपडेट का और अजय भारती जी जो लगातार आप लोग काम कर रहे हो समाज का, और आप अपने आप बिना बुलाए ही आपको पता लगा, जैसे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला और अपने आप ही चल के आया। इस तरह की भी डिमांड बहुत ज्यादा है समाज में कि पत्रकारिता से ये बात मैसेज जाएगा और लोगों को अच्छा राशन भी मिलेगा, और आज डिपार्टमेंट देखो कितना अच्छे तरीके से ये सप्लाई कर रहा है। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ यार।